हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में आपको एक अपडेट देने वाला हूं जो कि बजाज के साइट से निकल कर सामने आ रहा है। बजाज अपने पोर्टफोलियो में एक न्यू बाइक को ऐड करने जा रही है। बजाज ने कैलिबर नाम से अपनी एक न्यू बाइक को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया है। तो ये किस टाइप का बाइक होने वाला है, क्या कुछ आपको इस बाइक में फीचर देखने को मिलने वाला है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। जब 90 के दशक में बजाज और कावासाकी के बीच पार्टनरशिप था, तब उस टाइम 1998 में बजाज की कैलिबर नाम की बाइक लॉन्च हुई थी। उस टाइम में इसका टीवी एड भी आता था, जो कि लोगों को उस टाइम काफी पसंद भी आता था और काफी चर्चे भी हुआ करते थे इस बाइक के। उस टाइम में इसका टैग लाइन था हुड़ी बाबा, जो कि एक बंगाली वर्ड है। ये हमारे पापा और दादा के जमाने का टाइम का है, हम उस टाइम बहुत छोटे हुआ करते थे। तो आप एक बार पुरानी यादें ताजा कर लें, मैं आपको वो टीवी का एड दिखा देता हूं, उसके बाद न्यू कैलिबर के बारे में बात करेंगे। हाँ, और एक बात, मैंने इस एड को काफी सर्च किया, काफी खोजा, उसके बाद मुझे ये एड मिला हुआ है। बाकी इसका जो HD क्वालिटी वो मुझे नहीं मिल पाया, तो आप ये पहले देख लीजिए। मुझे ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने भी अपने बचपन में ये एड टीवी पर देखा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जरा मुझे भी तो पता चले आप कितने लोगों ने ये एड देखा था। तो अब करंट टाइम की बात करें तो इंडियन मार्केट में बजाज फिर से इस बाइक को न्यू अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है। बट इस टाइम इस बार इसमें बहुत सारा चेंज देखने को मिलने वाला है। बजाज कैलिबर पहले कैलिबर 115 के नाम के साथ आता था, जिसमें 111.6 cc का एयर कूल्ड मोटर लगा रहता था, जो 9.5 BHP का पावर और 9.10 Nm का टॉर्क मिलता था, जिसमें 4-speed गियरबॉक्स भी मिलता था। और उस टाइम इस बाइक का टॉप स्पीड 102 km/h का होता था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा हुआ करता था ये स्पीड। अब वहीं न्यू बजाज कैलिबर की बात करें तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि प्लेटिना 110 वाला इंजन इसमें देखने को मिलेगा, या फिर इसमें पल्सर 125 cc वाला इंजन भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बजाज कैलिबर 115 या फिर बजाज कैलिबर 125 कम्यूटर बाइक के साथ इसको लॉन्च कर सकती है। बट यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाला है, लास्ट ईयर नवंबर में TVS ने अपनी एक न्यू बाइक को ट्रेडमार्क फील्ड करवाया था, जिसका नाम TVS फिरो 125 है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि बजाज TVS की फिरो 125 को टक्कर देने के लिए अपनी कैलिबर 125 को लॉन्च कर सकती है। तो अगर कैलिबर 125 में आएगी तो इसमें बजाज पल्सर 125 cc वाला इंजन और पावर देखने को मिलेगा, और अगर ये 115 cc में आती है तो इसमें प्लेटिना 110 cc वाला ही इंजन और पावर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल बजाज कैलिबर को लेकर यही कुछ अपडेट अभी सामने निकल कर आ रहा है। आगे कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो आप मुझे कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विथ बाइक रजत। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दिया है, वहाँ से भी मुझे एक क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर इसके लॉन्चिंग की बात करें कैलिबर की, जो बजाज की आने वाली न्यू कैलिबर बाइक है, इसके लॉन्चिंग की बात करें तो ये आने में अभी भी मिनिमम आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आप TVS ने भी फ्यूरो 125 और एक TVS राइडर नाम से भी अपने बाइक को रजिस्टर्ड करवाया था पिछले साल ही, बट ये साल भी गुजरने वाला है, तो मिनिमम आप 1 साल मान के चलिए कि 1 साल हो गया है। बजाज ने भी अपने 2 बाइक रजिस्टर्ड करवाए थे इससे पहले भी, इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है, उसका भी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो वो भी अभी करीबन ये 6 महीने होने चला है, तो आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल तो लग जाएगा, क्योंकि अभी कोविड का सीज़न चल रहा है। कभी कोविड कहीं पर खुलता है, कभी फिर से कोरोना बढ़ता है, तो फिर लॉकडाउन लग जाता है। तो इस वजह से इसमें सब बाइक लॉन्च होने में डिले हो रहा है, और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 साल का भी मान के चलिए कि इसमें टाइम लग जाएगा। तो यही कुछ अपडेट है। तो ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट के लिए आप मुझे YouTube पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक। सॉलिड वो है जो कभी हार ना माने। INS विक्रांत के फौलाद के साथ नया बजाज वी, ये है सॉलिड की नई पहचान।